पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल को आज दूसरी बार विरोध का सामना करना पड़ा। दरअसल प्रकाश सिंह बादल आज बठिंडा में चुनावी रैली को संबोधित करने गए थे। उस दौरान उन पर एक युवक ने जूता उछाल दिया, जिसके बाद घटनास्थल पर अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि जूता मुख्यमंत्री की ऐनक पर लगा है। वहीं पुलिस ने जूता उछालने वाले शख्स को हिरासत में ले लिया है। बताया जा रहा है कि युवक राज्य सरकार की नीतियों से नाराज था और इसी के चलते उसने इस घटना को अंजाम दिया। आपको बता दें कि ये पहला मौका नहीं है जब प्रकाश सिंह बादल को निशाना बनाया गया हो। इससे पहले 15 अगस्त 2014 को लुधियाना में एक बेरोजगार युवक ने प्रकाश सिंह बादल की ओर जूता उछाला था। साथ ही प्रकाश सिंह बादल के काफिले पर एक बार पथराव भी किया गया था। तो पंजाब में मुख्यमंत्री पर एक बार फिर जूता उछाला गया है। आज जिस तरह से प्रकाश सिंह बादल को विरोध का सामना करना पड़ा है, वो अकाली दल के लिए अच्छे संकेत नहीं है। देखते रहिए एडीपी लाइव।